हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। ओके, तो हम देखो नाइन्थ क्लास का लेसन पढ़ रहे थे हम, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। थ्योरेटिकल पार्ट मैंने करवा चुका हूँ, अब बात करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शंस पे। ठीक हो गया। तो क्या होगा जी, टॉपिक हमारा होगा न्यूमेरिकल्स। क्या होंगे स्टूडेंट्स? न्यूमेरिकल्स करेंगे बड़े आराम से। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो पहला न्यूमेरिकल करते हैं जी। फर्स्ट न्यूमेरिकल ध्यान से देखो, न्यूमेरिकल्स कह रहा है कैलकुलेट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं जी आपको फॉर द फॉलोइंग। इनके लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं जी। ठीक है, फर्स्ट दे रखा है इसमें, फर्स्ट पार्ट है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। कितना स्टूडेंट्स? हीलियम, फाइंडिंग मोल्स फ्रॉम मास। क्या बताना है? फाइंडिंग मोल्स फ्रॉम मास, फाइंडिंग मोल्स फ्रॉम मास। क्लियर है जी। अब सेकंड पार्ट में क्या बताना है जी, 12.044 × 10⁻²³ नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या करना है, ध्यान से समझो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया। तो मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोलर मास। अब देखो और एक और बताया था मैंने आपको, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, 6.022 × 10⁻²³ एटम्स पर मोल होते हैं, एटम्स होते हैं, यानी एक मोल में, वन मोल में कितने होते हैं, 6.022 × 10⁻²। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है भाई, कैपिटल एम दिया है 52 ग्राम। क्लियर है। अब देखो एमएम हमें पता होना चाहिए जी, हीलियम का कितना होता है, मोलर मास कितना होता है स्टूडेंट्स, 4 ग्राम। कितना होता है जी, कितना होता है हीलियम का, हीलियम का होता है 4 ग्राम। ओके, या 4U लिख दो। क्लियर है, यानी अगर हम ऐसे लिखेंगे जी, एटॉमिक मास लिखेंगे, एटॉमिक मास लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 यूनिफाइड एटम, यूनिफाइड। क्लियर है, यूनिफाइड वैल्यू आएगी ना, यूनिफाइड मास लिखेंगे। अगर मैं मोलर मास लिख रहा हूं, यानी मॉलिक्यूलर मास लिख रहा हूं, मॉलिक्यूलर मास लिख रहा हूं जी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने आपको क्या निकालने हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो जी। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा जी, मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। कितना है मास, कितना है 52 ग्राम, और मोलर मास कितना है जी, बोलो जी, यस या नो। अब देखो बेटा, जो मॉलिक्यूलर मास होगा ना, वो ग्राम पर मोल में होगा, कितने में होगा, ग्राम पर मोल में। क्लियर है, यानी एक मोल, यानी पर मोल, वन मोल में 4 ग्राम है इसके। ठीक हो गया, क्लियर है। तो 52 ग्राम अपॉन 4 ग्राम पर मोल, ठीक है, 4 × 13 = 52 होता है, तो कितना आ जाएगा जी, 13 मोल आ गया। क्लियर है या नहीं स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर आर नॉट? ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है जी, इतने नंबर ऑफ हीलियम एटम से को कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मोल्स में। तो देखो स्टूडेंट्स ध्यान से समझो, वन मोल कितने के बराबर होता है जी, 6.022 × 10⁻²³ एटम्स के बराबर होता है। एटम्स में क्या आ गए, मॉलिक्यूल्स भी आ गए, पार्टिकल्स भी आ गए, सब चीज आ गया। ठीक हो गया, तो देखो इसका मतलब 6.022 × 10⁻²³ एटम्स, 23 हीलियम एटम्स में कितने होंगे। क्लियर है, यानी एटम्स की बात करते हैं तो हीलियम्स आएगा, हीलियम एटम्स इक्वल्स टू 1 मोल के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, तो 1 हीलियम एटम में कितने मोल होंगे, 1 अपॉन कितना स्टूडेंट्स, बोलो जी कितना, 6.022 × 10⁻²³। क्लियर है जी। ओके, अब देखो अपने पास कितने दे रखे हैं, 12.22 × 10⁻³ एटम्स में कितने हो जाएंगे मोल्स, निकाल लो जी,
6.022 इंटू 10^23 मल्टीप्लाई 12.044 इंटू 10^23 तो 6 × 12 होता है तो कितने आ जाएंगे जी 2 मोल्स आ जाएंगे। क्लियर है या नहीं बात? सही है जी, इज इट क्लियर और नॉट बेटा जी? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है जी, ध्यान से देखो। कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, मास बताना है जी, क्या बताना है? मास। कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, मास ऑफ द फॉलोइंग, इन सभी का मास बताना है। पहला पार्ट है इसमें, ठीक हो गया। 0.5 मोल ऑफ N2, 0.5 मोल ऑफ N2S, सही है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है जी, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। नेक्स्ट क्या है, थर्ड कह रहा है जी 3.011 इंटू 10^23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। क्लियर है जी बात? फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट में ये कह रहा है 6.022 इंटू 10^23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। सही है जी बात? अब देखो इधर आ जाओ, इसको पहले रब करना पड़ेगा जी, इसको रब करते हैं पहले। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ध्यान से आपको समझने हैं स्टूडेंट्स। देखो जी, देखो पहला मास कैलकुलेट करना है ना आपको, मास तो हमें पता है बेटा, नाइट्रोजन N2 गैस का मोलर मास बताओ जी, पहले मॉलिक्यूलर मास बताओ। देखो नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन N714 होता है, तो 14 ये हो गया N का, तो N2 है 14 × 28 ग्राम हो गया जी, ग्राम पर मोल होगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? क्या हो जाएगा जी, ग्राम पर मोल। ओके अब देखो मोल्स दिया है, मोल्स, मोल कितना दिया है, मोल्स दिया 0.5 मोल, ठीक हो गया। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं जी, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। निकालना क्या है, मास निकालना है, ठीक है? तो मास क्या हो जाएगा जी, मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। क्लियर है, नंबर ऑफ मोल्स 0.5 मोल इनटू 28 ग्राम पर मोल, सही है। यूनिट का ध्यान रखना, मोल से मोल कट जाएगा। 28 पंजे कितना होता है, 8 पंजे 40, 4 5 दूनी 10 और 4 14 होता है ये, तो कितना आ जाएगा जी, 14 ग्राम आ गया। कितना आ गया जी, 14 ग्राम। क्लियर है या नहीं बात? इज इट क्लियर और नॉट बेटा जी, बोलो यस या नो। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट देखो जी, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। अब देखो केवल नाइट्रोजन एटम्स है स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स, एन की वैल्यू 0.5 मोल, ठीक हो गया। मोलर मास बताओ जी, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कितना है, नाइट्रोजन एटम यानी एन है केवल, तो एन कितना हो जाएगा, 14 ग्राम पर मोल, सही है बात? तो निकाल लो जी, मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, मास की वैल्यू अभी बताई, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। क्लियर है, नंबर ऑफ मोल्स 0.5 इनटू 14, 14 पंजे 70 होता है, 7.0 ग्राम आ गया, सही है जी बात? इज इट क्लियर और नॉट, बोलो जी, सही है। नेक्स्ट करें, देखो जी नेक्स्ट करते हैं, थर्ड और फोर्थ करते हैं, इसी को ही रब कर देते हैं, ठीक है? मैं समझ में तो आ रही होंगी न्यूमेरिकल्स। देखो जी थर्ड, देखो जी बेटा थर्ड न्यूमेरिकल देखो, 3.022 इंटू 10^23 नंबर ऑफ एटम्स को कन्वर्ट करना है। तो देखो जी, यानी एटम्स दे रखा है, देखो ध्यान से देखो, 1 मोल, इसका मतलब देखो मुझे, मैं ये जानता हूँ 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10^23 एटम्स होते हैं, सही है जी बात? ओके तो इतने एटम्स दे रखे हैं, तो इनसे मास बताना है, तो पहले मोल्स निकाल लेते हैं, ठीक है? तो देखो 6.022 इंटू 10^23 एटम्स इक्वल्स टू हो गया 1 मोल के बराबर, ठीक हो गया। 1 एटम कितने के बराबर होगा जी, 1/6.022 इंटू 10^23, ठीक हो गया। अपने पास कितने दिया है जी, कितना दिया है, 3.011 इंटू 10^23, ये देखो ये रहा, ठीक है। एटम में कितने हो जाएंगे, 1/6.022 इंटू 10^23 अपॉन 23, ठीक है। इससे ये कैंसल हो गया,
और किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3.011, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30 हो जाएगा, ठीक हो गया। नहीं तो देखो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, हाफ हो गया यानी 0.5 मोल हो गया, ठीक है। तो 0.5 मोल आ गया। अब निकालना क्या है हमें, मास कैलकुलेट करना है ना ऑफ नाइट्रोजन एटम्स है स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ मोल्स बताया था, मास इनटू मोलर मास हो जाएगा, क्लियर है। मास अपना क्या है, अपने को निकालना क्या है जी, मास निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलर मास हो गया। सॉरी देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है जी, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। निकालना क्या है जी, मास निकालना है, तो मास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स 0.5 मोल है, मोलर मास बोलो जी नाइट्रोजन एटम है 14 होगा, 14 × 5 = 70, 7.0 ग्राम आ जाएगा, क्लियर है या नहीं बोलो जी, यस या नो, ठीक हो गया। अब देखो फोर्थ देखो, अब इतने नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स में बताना है आपको मास, तो देखो वही सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, हम जानते हैं क्या 6.022 × 10⁻³ एटम्स में होते हैं कितना 1 मोल, ठीक है। तो 1 एटम में कितना हो जाएगा 1/6.022 × 10⁻³ एटम्स मोल्स, ठीक हो गया। आपने कितने दे रखे हैं 6.022 × 10⁻³ एटम्स में कितना हो जाएगा 1/6.022 × 10⁻³ 6.022 × 10⁻³, ये इससे 1 मोल आ गया जी, क्लियर है या नहीं। अब हमें निकालना क्या है जी, मास कैलकुलेट करना है, तो हम जानते हैं मास क्या हो जाएगा जी, मास क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू कितना, क्या नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास जी, नंबर ऑफ मोल्स है 1, मोलर मास बोलो जी N2 का 14 अभी करा था, तो कितना हो जाएगा 14 ग्राम हो जाएगा, क्लियर है या नहीं, इज इट क्लियर और नॉट बोलो जी, यस या नो। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करो, थैंक यू।